करिश्मा XMR 210 के काफ़ी राइड रिव्यूज़ आपने देख लिए होंगे और परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। इस बाइक का जो इनिशियल एक्सेलेरेशन है, पिकअप है, मिड एंड परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट में बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, हीरो ने इस बाइक में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, DOHC इंजन, 6-स्पीड गियरबॉक्स, लिक्विड कूलिंग। लेकिन इस बाइक की राइड क्वालिटी का सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक पार्ट है स्मूथ इंजन, इंजन रिफाइनमेंट और बहुत कम वाइब्रेशंस। हीरो ने अपनी न्यू करिश्मा XMR 210 के साथ में जो इंजन रिफाइनमेंट और जो इंजन स्मूथनेस अचीव की है वो नेक्स्ट लेवल की है, जिसकी वजह से इस बाइक ने अपना एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। सो यार, ये है अपनी ऑल न्यू करिश्मा XMR 210 और आज इस वीडियो में इस बाइक की हम परफॉर्मेंस को टेस्ट करने वाले हैं। बाइक का इनिशियल एक्सेलेरेशन कैसा है, पिकअप कैसा है, टॉप एंड परफॉर्मेंस कैसी है, मिड एंड परफॉर्मेंस कैसी है, 0 to 120 बाइक कितने टाइम में जाती है, 0 to 100, 0 to 60 और हर गियर में बाइक की टॉप स्पीड कैसी है। करिश्मा XMR को चलाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और फाइनली आज ये बाइक हमें चलाने को मिल गई है। सो यार, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब, मेरा नाम दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। सो गाइज, अपनी ऑल न्यू करिश्मा XMR 210 का सबसे पहले टेस्ट करते हैं 0 to 60, ये बाइक कितने टाइम में अचीव करती है। सो 0 to 60 का आप सेकंड अटेम्प्ट करके देखते हैं अपना। सो 0 to 60 तो हमने देख लिया भाई, एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है यार और इनिशियल एक्सेलेरेशन तो बाइक का बहुत ही बढ़िया है। सो 0 to 100 का हमारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो 0 to 100 का अबकी बार देखते हैं सेकंड अटेम्प्ट करके। फोर्थ गियर में पहुंच जाती है यार, बड़े प्यार से पहुंच जाती है फोर्थ गियर में। वेरी नाइस इनिशियल एक्सेलेरेशन, पिकअप बहुत ही बढ़िया है यार, इस बाइक का बहुत ही बढ़िया है यार। अपना 0 to 60 और 0 to 100 तो टेस्ट हो गया है, अब देखते हैं कि बाइक हर गियर में क्या टॉप स्पीड है बाइक की, फर्स्ट गियर से लेके 6th गियर तक हर गियर में। तो अभी फर्स्ट गियर अपना इंगेज हो चुका है और देखते हैं फर्स्ट गियर में कितना जाती है बाइक। 47, 66, 87, 110, 128, 147 किलोमीटर पर आवर अभी बाइक की टॉप स्पीड है और 147 किलोमीटर पर आवर भी यार लिमिट आ जाता है, तो यही है अभी तो बाइक की टॉप स्पीड। आई थिंक फर्स्ट सर्विस होने के बाद हो सकता है कि बाइक की टॉप स्पीड थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाए, लेकिन देखते हैं, लिमिट आ रहा है तो शायद मुश्किल ही है यार। लेकिन 147 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है यार इसकी सेगमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़िया था यार इस बाइक का, इतना ज़्यादा बढ़िया था, देखते ही पसंद आ गई थी क्या यार क्या बाइक बनाई है हीरो ने। सच में हीरो ने इस बाइक के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत बढ़िया बाइक बनाई है, जिसके अंदर फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और अपनी सेगमेंट के अंदर मोस्ट पावरफुल मशीन भी है। तो यार, सबसे पहले तो जब आप बाइक को राइड करोगे, जब आप बाइक के ऊपर बैठोगे, तो आपको बाइक पर बैठते ही ना बहुत अच्छा फील होगा। जो राइडिंग पोस्चर है बाइक का वो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लीन नहीं होना पड़ेगा और आप इस बाइक के साथ टूरिंग भी कर सकते हो। थ्रोटल का रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है, जैसे ही आप एक्सीलेट करोगे आपको लीनियर परफॉर्मेंस मिलने वाली है, लीनियर पावर मिलेगी, जितना पुल करते जाओगे ना उतनी बाइक पुल करती जाएगी। तो यार बहुत ही बढ़िया है यार, 6th गियर में बाइक कब 100 से 120 पे पहुंच जाती है यार पता ही नहीं चलता है, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है बाइक की। और हाईवे पे जब आप क्रूज़ करोगे ना इस बाइक को, तो 120 किलोमीटर पर आवर पे आप कंफर्टेबली क्रूज़ कर सकते हो यार। अभी बाइक 120 पे चल रही है और बहुत ही कम वाइब्रेशंस हैं यार इसके अंदर। और आज हमने यार इस बाइक को काफ़ी देर तक राइड कर लिया है, सो हीटिंग का भी अभी तक कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ा है, हीट बाइक हीट भी बिल्कुल नहीं हो रही है और
गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यार सस्पेंशन इसके बहुत ही बढ़िया है, मतलब सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग है ना वो काफ़ी अच्छी है। छोटे मोटे गड्ढे तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं, वो आपको महसूस भी नहीं होंगे। एक इस बाइक के अंदर यार छोटा सा हमें ये लगा था कि यार यूएसडी फोक्स नहीं है, उसकी कमी है, लेकिन यार प्राइस तो देखो यार, इस प्राइस पर हीरो क्या ऑफर कर रही है। 173,000 एक शोरूम प्राइस है इस बाइक का, 1,73,000 रुपये, और उस प्राइस पॉइंट पे आपको कितनी अच्छी पावर, परफॉर्मेंस, फीचर्स, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया यार। मतलब प्राइस की तरफ देखते हैं ना तो फिर इस बाइक से कोई भी कंप्लेन नहीं होती है यार। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो यार फ्रंट में 300mm की काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक है, और जैसे ही आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई करोगे ना तो वाह यार, बहुत ही भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है यार ब्रेक्स की। ब्रेक्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, जैसे ही आप पुल करोगे फर्स्ट फ्रंट ब्रेक तो यार इसके बहुत ही बढ़िया हैं। फ्रंट ब्रेक्स की परफॉर्मेंस थासू परफॉर्मेंस है यार, क्या बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है। ड्यूअल चैनल ईवीएस बाइक के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, और जो ब्रेकिंग का रिस्पांस है ना वो बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार ट्राई करते हैं और बाइक को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेके जाते हैं, और फिर देखेंगे कि बाइक को रुकने में कितना टाइम लगता है। तो बाइक अभी पहुँच चुकी है अपनी 100 किलोमीटर पर आवर पर, और अब देखते हैं बाइक कितनी जल्दी रुक जाएगी। ओह वाह यार, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। क्लिप ऑन टाइप के हैंडल बार यूज़ किए हैं हीरो ने इस बाइक के अंदर, और राइडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन बाइक की एरोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया हैं। ऐसा नहीं है कि राइडिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो एरोडायनेमिक्स अच्छे नहीं होंगे, एरोडायनेमिक्स भी इस बाइक के काफ़ी अच्छे हैं। और यार मुझे इस बाइक के जो रियर व्यू मिरर्स हैं उनसे कोई भी शिकायत नहीं है, रियर व्यू मिरर्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, और इनसे यार पीछे का व्यू भी काफ़ी डिसेंट आता है। इनकी शेप मुझे काफ़ी बढ़िया लगी और व्यू भी इनसे डिसेंट आ रहा है, और यार इनकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, इनकी फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। ये ऐसे तो फोल्ड हो जाते हैं, लेकिन इनको अगर आप यहाँ से फोल्ड करना चाहोगे ना आगे से, तो ये आगे से फोल्ड नहीं होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यार मैं इस बाइक को पूरे दिन राइड कर सकता हूँ यार, बिल्कुल नॉन स्टॉप राइड कर सकता हूँ, इस पर आपको थकान भी नहीं फील होगी यार। सो यार ये इस बाइक का सबसे ज़्यादा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ ये आपको एक अच्छा राइडिंग पोस्चर भी दे रही है, यानी कि ये आपको थकाएगी नहीं, आप बिना थके इस बाइक को पूरे दिन राइड कर सकते हो। और माइलेज के बारे में बात करें तो यार आपको इजीली 35-40 KMPL के आसपास की माइलेज भी बड़े आराम से मिल जाएगी, और बाइक का यार सर्विस इंटरवल भी काफ़ी अच्छा है। सो मुझे तो यार करिश्मा XMR 210 को लेके कोई भी कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल मैं इस बाइक से इंप्रेस्ड हूँ यार, और बिल्कुल आप इस बाइक की टेस्ट राइड ले सकते हो। फटाफट से आप जाओ इस बाइक की टेस्ट राइड लेके देखो, और फटाफट से यार आप इस बाइक की बुकिंग भी करवा सकते हो, भी 3,000 रुपये में इस बाइक की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो यार अपनी करिश्मा XMR 210 की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली यार इसका इनिशियल एक्सेलेरेशन पिकअप काफ़ी अच्छा लगा, सस्पेंशन का सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, और परफॉर्मेंस इस बाइक की काफ़ी अच्छी यार अपनी सेगमेंट में। और बिल्कुल ये बाइक अपनी सेगमेंट में जो फुल्ली फेयर स्पोर्ट्स टाइप की बाइक्स है ना उनको बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाली है। तो यार इस वीडियो में फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बाइक आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।